हाउ टू मेक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ऑरिकुलर थेरेपी में प्रोटोकॉल कैसे बनाते हैं दोस्तों, इसमें एक छोटी सी विधि है जो मैंने यहां लिखी हुई है। सबसे ऊपर क्या है? लोकल पॉइंट। सेकंड नंबर पे क्या है? ऑर्गन इन्वॉल्व्ड। थर्ड नंबर पे क्या है? उनके स्पाइन पॉइंट। फोर्थ नंबर पे क्या है? सिस्टम। फिफ्थ नंबर पे ब्रेन लोब। सिक्स नंबर पे चक्रास। सेवन नंबर पे एलिमेंट और एट नंबर पे स्पेशल पॉइंट। अब दोस्तों प्रॉब्लम जो मर्जी हो आपको ये आठ क्राइटेरिया पे वर्क करना। सबसे पहले चलिए हम शुरुआत करते हैं, किसी को एसिडिटी हो गई और उसको चेस्ट में जलन हो रही है। कहां जलन हो रही है? चेस्ट एरिया में जलन हो रही है। तो सबसे पहले लोकल पॉइंट क्या हो गया? जलन का हो रही है एसोफेगस में, अन्न नली के अंदर। तो आपका लोकल पॉइंट में क्या आ गया? एसोफेगस। ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व हो गया? स्टमक और लिवर। बाइल बना कौन रहा है? लिवर। जा कहां रही है? स्टमक में। कहां पे स्टोर होती है? गॉल ब्लैडर में। तो लिवर, स्टमक एंड गॉल ब्लैडर, तीन ऑर्गन आपके आ गए। स्पाइन पॉइंट में आएंगे तो T4, T5, T7, T8। गॉल ब्लैडर का स्पाइन पॉइंट ले लिया, लिवर का स्पाइन पॉइंट ले लिया और स्टमक के स्पाइन पॉइंट ले लिया। उसके बाद आते हैं सिस्टम में। अब कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ब्रेन लोब, तो इनमें चारों में से कोई भी ब्रेन लोब लेने की जरूरत नहीं है। चक्रा की बात करेंगे तो सोलर प्लेक्सस चक्रा। एलिमेंट की बात करेंगे तो जलन हो रही है, जलन को कम कौन सा एलिमेंट करेगा? वॉटर एलिमेंट। स्पेशल या स्पेसिफिक पॉइंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे स्टमक के सामने जो स्पेशल पॉइंट आएगा वो आएगा हेलिक्स 3। तो इस तरह से एसिडिटी का प्रोटोकॉल आपका बन जाएगा। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आंखों की रोशनी घट गई, आईसाइट इंप्रूव करनी है। लोकल पॉइंट क्या लेंगे? आईज। ऑर्गन कौन से लेंगे? लिवर एंड गॉल ब्लैडर। स्पाइन पॉइंट क्या होंगे? T4 एंड T5। सिस्टम कौन सा रहेगा? नर्वस सिस्टम, नर्वस सबकॉर्टेक्स। उसके बाद ब्रेन लोब कौन सा रहेगा? ऑसिपिटल। चक्रा कौन सा रहेगा? थर्ड आई। एलिमेंट कौन सा रहेगा रोशनी को बढ़ाने के लिए? फायर एलिमेंट। और स्पेशल पॉइंट क्या रहेंगे? Vision 1 एंड Vision 2। दोस्तों अगर आप इस बेस को लेकर चलेंगे तो आप किसी भी चीज का प्रोटोकॉल बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये आप जरूर लिख लीजिए ताकि जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है प्रोटोकॉल बनाने में, अगर आपके पास ये सामने लिखा रहेगा और आपके पास हमारी ऑरिकुलर थेरेपी की बुक होगी तो आप उसमें से देख कर ये प्रोटोकॉल बना लेंगे। अब देखिए फिर से, मान लीजिए किसी को एडी में दर्द है, हील पेन है, तो सबसे पहले लोकल पॉइंट क्या ले लिया? हील। अब हील में पेन कहां है? हड्डी में। बोन को कौन देखते हैं? किडनी, यूवी। स्पाइन पॉइंट T10, 11 एंड नंबर 3। सिस्टम की बात करें, सर्कुलेशन बढ़ाना है, वस्कुलर सबकॉर्टेक्स। ब्रेन लोब नॉट रिक्वायर्ड। चक्रा मूल आधार। एलिमेंट की बात करें तो बड़ी हुई हड्डी को मेल्ट कौन करेगा? अग्नि। स्पेशल पॉइंट की बात करें जो आपको बताया पेन किलर पॉइंट, शेनमैन। बड़ी हड्डी को साथ में गलाना है तो ईयर अपेक्स। तो इस तरह से जब आप इस क्राइटेरिया पर चलेंगे तो आप किसी भी चीज का प्रोटोकॉल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए और इसके हिसाब से आप प्रोटोकॉल बनाना शुरू करिए। जिनको ये मेहनत नहीं करनी उनके लिए हमने अब जो ऑरिकुलर थेरेपी का सॉफ्टवेयर है वो बना दिया। अब इसमें आपने डिजीज पे जाना है, डिजीज पे गए। अभी हमने क्या बात की थी? हील पेन। तो आपने यहां हील टाइप किया तो हील पेन आ गया। व्यू किया तो वो सारे के सारे पॉइंट भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे पॉइंट भी दोनों के दोनों कान पे, लेफ्ट कान पे कहां है, राइट कान पे कहां है, वो आ जाएगा। जैसे हमने बात की एसिडिटी की, तो आपने कुछ नहीं करना है, यहां टाइप करना है एसिडिटी। तो एसिडिटी टाइप किया तो एसिडिटी आ गया। व्यू किया तो एसिडिटी से रिलेटेड जो पॉइंट है पूरे के पूरे कान पर मार्क आ गए। कौन कौन से पॉइंट लिए हैं वो सारी डिटेल भी यहां पर आ गई। इसी तरह से अभी हमने जो भी प्रॉब्लम जनरल है, जैसे हमने बिगिन किया एसिडिटी से,
तो एसिडिटी का प्रोटोकॉल यहां पर हमने टाइप किया तो भी आ गया, और हमने खुद बनाया तो भी बन गया। आईज की प्रॉब्लम है, हमने यहां पे आई टाइप कर दिया। अब यहां पे पूरी आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, आई की जनरल प्रॉब्लम हो, डार्क सर्कल बन रहे हो, स्क्विंट हो गया हो, आंख में स्टाई हो गया हो, आंख फड़क रही हो, या आई में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया, उसमें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आप क्या दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं कलर ब्लाइंडनेस हो रही हो या टीयर डक्ट ब्लॉक हो गई हो, तो आई से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आ गई। अब मान लीजिए किसी को आंख फड़क रही है, ट्विचिंग ऑफ आई हो रहा है, तो आपने क्लिक किया तो ट्विचिंग ऑफ आई का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यहां आ गया। इसी तरह से आप जाएंगे डिजीज पे, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपने स्किन यहां पर टाइप कर दिया। अब स्किन में फंगल इंफेक्शन हो रहा है कि अर्टिकेरिया हो रहा है कि सोरायसिस हो रहा है कि एक्जिमा हो रहा है, ड्राई स्किन हो रही है कि पिगमेंट्स हो रहे हैं, डार्क स्किन हो रही है, तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर में अपने प्रोटोकॉल्स को ढूंढ सकते हैं। नहीं तो जो विधि मैंने यहां आपको सिखा दी है, जो भी प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर में है उसको बनाने की विधि यही है। या तो इस विधि को आत्मसात कर लीजिए और जो भी प्रॉब्लम के हिसाब से आप प्रोटोकॉल बनाना चाहते हैं हमारी ओरिकुलर बुक में देख के आप ये प्रोटोकॉल बना लीजिए। और दूसरा सिस्टम, अगर इतनी मेहनत नहीं करनी या अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हमारा बना प्रोटोकॉल सही है कि नहीं है, तो फिर आप इस सॉफ्टवेयर में दिए गए प्रोटोकॉल, एक्ने पिंपल्स हो गया, एडिक्शंस हो गई, अल्कोहल की है कि जंक फूड की है या स्मोकिंग की है, तंबाकू की है, एलर्जिक रेनाइटिस हो गया, एंजाइना पेन आ रहा है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, अपेंडिसाइटिस का पेन है, अर्थराइटिस गैप हो जाता है घुटनों के जॉइंट में, इस तरह बहुत सारे, मतलब जिस पेज पे भी जाएंगे उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, साइनस की प्रॉब्लम है, स्किन की डिफरेंट प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क हो जाता है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड है, यूरिन रोकने में दिक्कत है या यूरिन में इंफेक्शन हो रहा है, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इलाज आप इस ओरिकुलर सॉफ्टवेयर में प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो अनलिमिटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस इस तरह से आप खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कामना करता हूं कि आप एक परफेक्ट ओरिकुलर थेरेपिस्ट के रूप में अपने क्लाइंट को ट्रीटमेंट देंगे, ताकि आपके क्लाइंट को जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो मैं इतनी जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।